हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं इस अपनी कंपनी में हूं और हमारी कंपनी की जितनी भी एक्टिविटी थी 14 अगस्त के हवाले से वो सब ख़त्म हो चुकी है और हमने बहुत इंजॉय किया है। तो अभी हम बस जस्ट 10 या 15 मिनट में समुंदर की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको इसी वीडियो में तमाम जो व्यूज़ होंगे, तमाम जो समुंदर के नज़ारे होंगे, जो वहाँ पर मज़े मज़े की चीज़ें होगी, आपको समुंदर की दिखाऊँगा। तो अब हम जा रहे हैं समुंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं कराची के साहले समुंदर पर हूँ और ये आपको जितने भी व्यूज नजर आ रहे हैं, ये कराची के साहले समुंदर के व्यूज हैं। देख सकते हैं आप, ये पाकिस्तान का साहले समुंदर है और ये कराची सिटी में वाक़ है। ये सारे इसके व्यूज हैं। आज 14 अगस्त का दिन है तो लोग कुछ ज़्यादा ही आए हुए हैं इस दिन को यहाँ पर एंजॉय करने के लिए और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ के ये सारे व्यूज हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर लोग खाने पीने की चीज़ें भी बेच रहे हैं, इस तरह अनार भी है और ये कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ये पता नहीं क्या लेकर जा रहा है कोई, और नींबू दाल वगैरह इस तरह की चीज़ है, ये वो है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी मैं अलबत्ता इधर से खाऊंगा भुट्टा, कुछ ज़बान में उसे हम तो अपनी ज़बान में उधर पंजाब में उसे छली कहते हैं लेकिन यहाँ पर लोग उसको भुट्टा कहते हैं। मैं तो अभी खाऊँगा भुट्टा क्योंकि भुट्टा मुझे काफ़ी पसंद है। ये देख लीजिए, ये साहले समुंदर की लहरें हैं। ये साहले समुंदर बिल्कुल ओरिजिनल है। इसमें वो ये ना समझिएगा कि ये वो जो बच्चों वाले टीवी वाले कार्टून में साहले समुंदर आता है या बच्चों की कहानियों में साहले समुंदर बना होता है, ये वो साहले समुंदर नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल साहले समुंदर है। ये उसकी नेचुरल लहरें हैं, कितनी बड़ी बड़ी लहरें हैं देख सकते हैं आप। ये साले समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें हैं। अभी मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ इधर इस प्लेस पर, साले समुंदर पर, क्योंकि आज के दिन यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। देख सकते हैं आप कितने लोगों का रश लगा हुआ है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का, 71 इंडिपेंडेंस डे है। लोग इसको परजोश तरीके के साथ मना रहे हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है या कोई लेडीज़ है, सभी इस दिन को बड़े परजोश तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी इसको इस सेलिब्रेट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आज इसी वजह से हम इस साले समुंदर पर आए हैं। अभी मेरा एक हाथ को खा गया, ये बूटा यहाँ पर तो बड़ा क्लियर आया भैया। इसको अभी थोड़ी देर बाद इसी छोटे से बच्चे से खरीद कर मैं खाऊँगा। यहाँ पर कैमल भी हैं, जो बच्चे हैं वो इसकी सवारी करते हैं, वो देख रहे होंगे पीछे कैमल भी है। और इसके अलावा ये कुछ वो क्या बेचने वाले हैं, आइसक्रीम वगैरह, चाट है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। ये देख लीजिए आप, ये वीडियो ज़्यादा मैं उन अपने फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ जो दूर पाकिस्तान के इस शहर से दूर रहते हैं, जो कभी कराची सिटी में नहीं आए, जिन्होंने अभी तक साहले समुंदर नहीं देखा सिवाए ड्रामों में या फिल्मों में। तो मेरे दोस्त, ये कराची का साहले समुंदर है। इस वक्त ये बिल्कुल जो लहरें हैं ये ओरिजिनल लहरें हैं और ऐसे ही समुंदर पर लहरें होती हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं कैमरे को बिल्कुल वहीं पर रखता हूँ, थोड़ा सा घुमाता भी। अब लहरें भी बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। मेरा कैमरे से आपको सभी व्यू दिखाऊंगा, देख सकते हैं। कुछ फोटोग्राफर भी हैं जो प्रोफेशनल हैं, यहाँ पर फोटो खींचते हैं, जैसे खींचते हैं उसी वक्त इतनी लंबी लहर आई। ये देखें वहाँ से, ये कहाँ, ये देखिए कहाँ तक लहर जा रही है, देख सकते हैं कितनी लंबी ये लहर आई है, बहुत दूर 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 तक जाती है यहाँ से। अभी तो कुछ पानी उतरा हुआ है,
लेकिन फिर भी लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर नहाने पर पूरी तरह पाबंदी है। अभी इस सिटी में जितनी भी घूमने की जगह है, जिस तरह कायद आजम का मज़ार है और टीएफ म्यूज़ियम है, अलादीन पार्क है, और भी बहुत सी ऐसी यहाँ पर चीज़ें हैं जो मैं गिनवाता रहूँ तो बहुत सी चीज़ें बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सी घूमने की चीज़ें हैं। लेकिन अलबत्ता मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कराची सिटी में आए हैं, आपने मज़ारे कायद नहीं देखा और साहिल समुंदर आपने नहीं देखा, इन दोनों जगहों पर आप नहीं आए कराची सिटी में आकर, तो फिर आपने कराची का कुछ भी नहीं देखा। आप कराची सिटी में आते हैं, साहिल समुंदर और कायद अजम का मज़ार ये आप लाजमी देखिएगा। अगर आपने ये चीज़ें दो नहीं देखी तो फिर कराची की दो अहम चीज़ों को मिस कर दिया जो बहुत ज़रूरी है देखने वाली और घूमने वाली। कायद अजम का मज़ार, आज तो कायद अजम के मज़ार पर, पहले मेरा इरादा था कि कायद अजम के मज़ार पर भी चलूँ, लेकिन इससे पहले भी एक बार 14 अगस्त वाले दिन मैं गया था, इतना ज़्यादा रश था वहाँ पर, इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पर गेट से निकलना मुश्किल था। पहले जो अंदर जाने के इंटर होने के लिए बहुत मुश्किल से मैं गया, फिर वापस मैं जब निकला फिर भी मुश्किल है, तो इस वजह से मैं आज वहाँ नहीं गया। वहाँ पर मैं जाऊँगा जिस दिन रश नहीं होगा, वहाँ का फिर एक मैं प्यारा सा व्लॉग बनाकर आपको दिखाऊँगा, और फिर आपको वो भी लोग देखकर अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा कायद अजम के मज़ार का भी व्लॉग बनाऊँगा, आपको दिखने में अच्छा लगेगा कायद अजम का मज़ार, वहाँ के जो म्यूज़ियम है कायद अजम के। तो अभी तो मैं फिल वक्त आपको कराची का साहिल समुंदर ही दिखा रहा हूँ, देख लें आप भी। ये है जी ओरिजिनल नेचुरल, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं फिल्मों कहानियों वाला, वो जो कार्टूनों, बच्चों की कार्टूनों में होता है, अलबत्त हाँ फिल्मों में तो ओरिजिनल ही होता है, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने कुछ किया होता है, एडिटिंग वगैरह की होती है, लेकिन बच्चों के कार्टून में तो वो आप देखते होंगे किस तरह समुंदर बना, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लहरें आ रही हैं, ये अभी इसी वक्त की लहरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे में। यहाँ पर वो गाड़ियाँ भी कुछ, रेत बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं वो 10-10, 20-30 रुपए लेते हैं, उस गाड़ी में एक चक्कर लगवाते हैं, आपको मेरे कैमरे में वो कहीं घूमती हुई नज़र आएगी, वो देखें वो गाड़ी घूम रही है, ऐसे वो गाड़ी ले लोगों को बिठाते हैं, अपना यहाँ की सैर करवाते हैं गाड़ी पर भी। अभी देखें कि बच्चे कैसे नहा रहे हैं, हालांकि नहाने पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते। देख लीजिए ये है जी समुंदर की लहरें, आपको नज़र आ रही होंगी, जो कभी कराची नहीं आए वो मेरी वीडियो में देख लीजिएगा, तो मैंने अपने व्यूज के लिए वीडियो बनाई है ख़ासकर जो कभी सिटी में नहीं आए, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स आप, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं, मिलते हैं आप किसी अगले व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए,